आज हम यहाँ पहुँच गए हैं आगरा से मौसी माँ का खाना खाने के लिए। बेगुन भाजा करे थी। लवली, बहुत अच्छा है काकी माँ, बहुत टेस्टी। আজকে আমি বেগুন ভাজা করব, মুগের ডাল করব, ইলিশ মাছ দিয়ে আলু দিয়ে ঝোল করব, চিংড়ির মালাইকারি করব, টমেটোর চাটনি করব। চিংড়ি মাছের মালাইকারির জন্য একটা নারকেল নিয়েছি, এর দুধ বের করে দেব। মাছগুলো কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এখন আমি মাছের লবণ আর হলুদ মাখিয়ে আধ ঘন্টা মতো রেখে দেবো। লবণ, হলুদ, লবণ, হলুদ, বেগুনে এখন আমি লবণ আর হলুদ মাখিয়ে দিচ্ছি। লবণ, হলুদ, চিনি, পেঁয়াজ,
রসুন বাটা, আদা বাটা, লঙ্কা বাটা, হলুদ, জল, কাঁচা লঙ্কা, লবণ, জিরে, এলাচ, দারুচিনি একসঙ্গে বাটা আছে, নারকেলের দুধ, ভেজে রাখা চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিংড়ি মাছের মালাইকারি হয়ে গেছে, এবারে নামিয়ে দিচ্ছি। কালো জিরে, লঙ্কা, হলুদ, ভেজে রাখা আলু, জিরে গুঁড়ো, জল দিয়ে দিচ্ছি। গরম জল, এবারে আমি মাছগুলো তুলে দিচ্ছি। এবার আমি সর্ষে বাটাটাকে একটু ছেঁকে দিচ্ছি। ডালে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। ইলিশ মাছের ঝোল হয়ে গেছে, এবারে নামিয়ে দিচ্ছি। फाइनली आज हम यहाँ पहुँच गए हैं आगरा से मौसी माँ का खाना खाने के लिए और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और मन तो मतलब कब से कर रहा था कि कब आए तो फाइनली आज आ ही गए ये टेस्टी टेस्टी खाना खाने के लिए। हाँ, बिल्कुल वीडियोस में आपका खाना बना देखकर बड़ा स्वाद आता था, बड़ा मुँह में पानी आता था। आज मौका मिली है लाइव यहाँ पर, लाइव किचन, लाइव खाना खाने का। बहुत बहुत बढ़िया। इस चैनल का वीडियो आप लोगों ने देखते? मेरे पास दो मोबाइल है, दोनों में सब्सक्राइब्ड है कि कभी मेरे हाथ में कौन सा मोबाइल है और आपने डाला मेरे को तुरंत देखना है। इनके में भी और मेरी मम्मी जो है वो भी देखते हैं उनको भी बड़ा पसंद आता है, वो भी देखते हैं। मतलब एकदम विलेज टाइप का जो खाना बनते हैं उसी टाइप का बनते हैं। अलग ही मतलब एक अलग ही पूरा का पूरा एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, अलग ही तरीके का टेस्ट और अलग जो आप डिफरेंट स्टाइल से खाना बनाते हो, सर्व करते हो, खाते हो। और सबसे क्यूट उनका जो बोलना होता है ना, वो जो ये आज की रान्ना है स्पेशल। আজকে বেগুন ভাজা করেছি, ইলিশ মাছ ভাজা করেছি, ইলিশ মাছ দিয়ে আলু দিয়ে একটু ঝোল করেছি, চিংড়ি মাছের মালাইকারি করেছি। কাল আপ লোগো কো বাতায়া থা কি হিলসা ফিশ জো হোতা হ্যায় সবসে টেস্টি জো ফিশ হোতা হ্যায় পুরা ওয়ার্ল্ড মে ফেমাস হ্যায় আচ্ছা মতলব ইন্ডিয়া বাংলাদেশ কা হিলসা ফিশ একদম ফেমাস হ্যায় উসি কা হি কারি বানা হ্যায় অর ফ্রাই ভি বানা হ্যায় ওয়াহ মতলব জিসকে বারে মে হম কাল সুন রহে থে আজ মতলব ও উসকা টেস্ট লেনে কো মিলেগা হোগা হোগা বহুত বাগিয়া ये तो है হিলসা ফিশ মাই আপকো বাতাউ পাতা হ্যায় কিয়া লবস্টার লবস্টার হ্যায় লবস্টার Amazing. रियली टेस्टी होने वाला। अरे बहुत ज्यादा मन कर रहा है, अभी शुरू हो जाओ। अभी शुरू कीजिए दादा, अभी मैं शुरू। हाँ दादा यहाँ से शुरू कीजिए। काकी माँ स्टार्ट करूँ? थैंक यू। और दीदी आप एक खाइए। হোটেল বুকিং হবে, কোথায় গিয়ে থাকবেন এবং সুন্দর সুন্দর ন্যাচারাল দৃশ্য আপনারা দেখতে পাবেন, দাদা আর দিদির চ্যানেলে যান, নিধিকা চ্যানেলে। ইউটিউবে শুধু সার্চ করবেন নিধিকা, চ্যানেল এসে যাবে, ভিজিট করুন, দেখুন। আপনার মন চাইলে কি প্রসিডিওর কিভাবে যেতে পারবেন সেটাও আপনারা পরিষ্কার দেখতে পাবেন এই ভিডিও থেকে। প্লিজ ইউটিউবে জেসে আপ যায়েঙ্গে সার্চ মে আপ টাইপ করেঙ্গে নিধিকা আপকো চ্যানেল মিল জায়েগা, এটা ফটো লাগা হোগা। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করেন, চ্যানেল কো একবার ভিজিট করেন, আপ ভিডিও দেখেঙ্গে আপকো এক ডিফারেন্ট স্টাইল মিলেগি। একচুয়ালি ক্যা হ্যায় কি এক ফ্যামিলি চ্যানেল হ্যায় জিসমে হাম দোনো কে দোনো ট্রাভেল করতে
हैं अपने एक छोटे बेबी के साथ। तो आप जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ के जो बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो हम शेयर करते हैं। और एक छोटे जो कुछ कमियाँ होती है, कैसे टिकट कटाना है, कैसे वीसा लेना है, कैसे होटल बुकिंग कराना है, कितना पैसा लगता है, आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो ट्रैवल एंड तक कितना खर्चा होगा, उससे ज्यादा अगर आप लोगों को चाहिए तो शॉपिंग वगैरह करते हैं ज्यादा होगा, लेकिन मिनिमम कितना खर्चा मिनिमम चाहिए होता है, पूरा बजट मतलब आप लोगों को मिल जाएगा। एक छोटे बच्चे के साथ जो जो चैलेंजेस होते हैं घूमने फिरने में वो सब आपको देखने को मिलेंगे, और उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सब बातें भी आपको वहाँ पर सीखने को मिलेंगी। थैंक यू। देंगे नमक मिर्ची हल्दी ये सब डाल के मुझे भी थोड़ा सीखने दो। अच्छा, आपको सीखने घर में तो कभी नहीं बोलते आप, मेरे को सिखाओ। घर में अगर मैं बोलने लगा तो फिर तुम क्या करोगी है? मेरे को ही पकड़ा दोगी फिर तो? थोड़ा सीखने दो, मुझे भी देखने दो कैसे करना है। नया एक्सपीरियंस है, घर में थोड़ी ना होती है इस तरीके का। যেমন বেগুন ভাজা করেছি, ইলিশ মাছের ভাজা, মুগ ডাল, ইলিশ মাছের আলু দিয়ে ঝোল, চিংড়ি মাছের মালাইকারি আর চাটনি করেছি। বহুত জায়গা মজা আয় মুখে খাকে খাই রি একদম দারুণ मजा आ गया। बहुत ज्यादा टेस्टी। थोड़ी देर बाद सारी प्लेटें खा ली। सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है? सभी अच्छा है। सारा का सारा सब अच्छा है। बैंगन भाजा ये भी बहुत अच्छा, हिलचा फ्राई ये भी, सारे के सारे काके मागे जो वीडियोस में हम लोग देखते थे स्वाद, मतलब जो फील करते थे उस समय पे वैसा ही फील यहाँ पर मिल रहा है। मन कर रहा है चार पाँच छह दिन रुक जाए और खाते रहे खाना और मोटे हो गए। और एक्चुअल में जो ये स्वाद आ रहा है ना, ये इनका प्यार है काकी माँ का, जो इस खाने में दिख रहा है कि कितने प्यार से बनाया है इन्होंने। और ये चटनी जो मैंने बनाई थी बहुत मेहनत से बनाई है ये मैंने चटनी, सब लोगों को तारीफ करनी है, समझ में आ गया? एकदम बहुत टेस्टी है। सबसे ज्यादा तो चटनी में मजा है ना, देखा? थोड़ा सा बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पापा जी मम्मी जी तो ऐसे ही कहीं बाहर ट्रैवल में टूर में नहीं जाते हैं, फर्स्ट टाइम के लिए गए थे आगरा ताजमहल देखने के लिए। और दादा का जो अतिथि अप्पा जो कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, मतलब क्या कहूँ, पापा जी जब वहाँ से आए हैं तभी से हर रोज इन लोगों के बातें होता रहता है, इतना केयरिंग है ये लोग, क्या कहूँ। मतलब खुद का घर में जैसे जितना कंफर्टेबल में कोई रह सकता है उससे भी कई गुना कंफर्ट दिया है दादा और दीदी ने मिलके। ये इनका सरल स्वभाव है एक्चुअली। ये लोग ज्यादा हमारी बहुत ज्यादा वेलकमिंग है, बहुत ही ज्यादा। जब आप यहाँ आएंगे तब इस चीज को फील करवाएंगे। इन लोगों से ही मैं सीख रहा हूँ, ठीक है ना, जो ये तारीफ हमारी कर रहे हैं इन लोगों से ही मैंने सीखा है, आप ही लोगों से सीखा है। लॉबस्टर टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, बढ़िया बहुत बढ़िया बना है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। माजी माँ बहुत मजा आया और बहुत टाइम बाद इतना अच्छा खाना खाने को मिला, तो थैंक यू सो मच जो आपने हमें इतने प्यार से खाना खिलाया। बहुत स्वादिष्ट था, पेट मतलब एकदम ऐसे फुल हो रखा है यहाँ तक, बहुत स्वादिष्ट था। और जो लॉबस्टर मैंने पहली बार ट्राई किया वो तो मतलब बहुत ही बहुत मजा आया। और एक बात आपके लिए, हम आगरा से ये गिफ्ट लेकर आए थे जिसको कि आप अपने अगले वीडियो में ना इसको इस्तेमाल करना, ये कुकिंग में आपके, हाँ आपके कुकिंग में आपके लिए हेल्प करेगा ये, तो आप इसे प्लीज खोलें। देखिए कैसे, इसमें ऑलमोस्ट सारे रोस्टेड चिकन, मटन, फ्राइज, मतलब ये बारबेक्यू के लिए होता है एक्चुअली। जैसे आप अगर कुछ चिकन या फिश वगैरह जो है वो रोस्ट करना चाहते हैं तरीके से पैन लग जाता है। इसके ऊपर कोयला, तो ये आपके लिए। और नेक्स्ट वीडियो में आगे इसमें कुछ बनाइएगा, इसका भी इस्तेमाल करें, इसका भी इस्तेमाल करिएगा। खूब भारा लगे, खूब सुंदर, खूब आनंद है, खूब भारा।
थैंक यू।